नागदा से बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को धमकी देने के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के विधायक से जुड़े लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके घर पर हमला भी किया गया था। इस घटना से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। पूर्व विधायक ने ज्ञापन सौंप कर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। तो अगर मारने की तेरी इच्छा तो अरमान पूरा कर ले, मैं आ जाऊंगा। मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि किसी भी कोने पे बुला ले और मैं उससे दादागिरी करूँगा। मेरा दादागिरी स्वभाव ही नहीं है। मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि अगर तेरी और बार बार अगर बहुत समय तक रिवॉल्वर में गोली पड़ी रहेगी तो जंग लगेगी, इसलिए वो चल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मान लो वो तुम और किसी का अगर सीना छलनी करोगे तो पता नहीं किस माँ की गोद उजाड़ोगे तुम, क्योंकि तुम्हें गरूर है। नहीं, ये कुछ हमारा कार्यकर्ता है उसके बेटे का और एक कोई हेड उनके बेटे का झगड़ा हुआ तो समझौते में कहा तुझे गोली नहीं मारूंगा, गोली तो दिलीप शेखावत को मारूंगा, तो मजा आएगा। मैंने कहा दूसरे के मजा में ही मेरा मजा है।